हेलो फ्रेंड्स, देसी व्यंजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं वेज हक्का नूडल्स बनाने जा रही हूँ। ये ग्रीन बीन्स है, ये बंद गोभी है, ये गाजर है, ये शिमला मिर्च है, ये हरा प्याज है, ये रेड चिल्ली सॉस है, ये विनेगर है, ये ग्रीन चिल्ली सॉस है, ये डार्क सोया सॉस है, ये प्याज है, ये मिर्च है, ये अदरक है, ये लहसुन है। अब ये पानी बॉईल हो रहा है, अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी, एक चम्मच तेल डाल दूंगी ताकि ये चिपके ना। अब इसे दो टुकड़ों में काट के डाल दूंगी वेज हक्का नूडल्स को। इसे ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है, 5 मिनट में हो जाएगा। ये थोड़ा कच्चा ही रहे तो अच्छा है, हल्का कच्चा, हाफ बॉईल, क्योंकि ज़्यादा बॉईल कर देने से ये चिपकने लगेंगे, तो ये खुला खुला नहीं बनेगा। ये दब रहा है मतलब कि हो गया। अब इसका पानी को निकाल के और इसे ठंडे पानी से धो देना है ताकि ये और पक ना जाए। और जब इसका पानी पूरा अच्छी तरह से निकल जाए तो इसे एक बर्तन में फैला के रख देंगे ताकि ये चिपके ना एक दूसरे से। अब ये सारे पानी इससे चले गए। अब मैं इसे ट्रे में इसको अच्छे से फैला दी हूँ ताकि ये चिपके ना एक दूसरे से। अब कढ़ाई गर्म हो गया है, इसे हाई फ्लेम में बनाना है और ये रिफाइंड ऑयल में डाल दी हूँ। बिल्कुल हाई फ्लेम में बनाना है ताकि ये स्मोकी फ्लेवर आए, तभी ये स्ट्रीट फूड जैसा लगेगा। सबसे पहले इसमें अदरक डालूंगी, फिर लहसुन डालूंगी, इसे लाल होने देती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप किड्स के लिए बना रहे हैं तो ये हरी मिर्च नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये हरी मिर्च डाल रही हूँ। पहले प्याज डालूंगी, इसे थोड़ा चला लूंगी। फ्रेंड्स, ये तेज आंच है इसलिए थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आएगा। फिर ग्रीन बीन्स डाली हूँ, फिर कैबेज डाल रही हूँ, बंद गोभी, फिर गाजर डाल रही हूँ, फिर शिमला मिर्च डाल रही हूँ। इसको अच्छे से चलाना है, मिक्स करना है और ये हाई फ्लेम जाने से थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आएगा इस वेजिटेबल्स में। ये अच्छे से चलाना है, मिक्स कर देना है। इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस 4-5 मिनट तक पका के उसके बाद इसमें सॉस डालना है। अब इसमें थोड़ा सॉल्ट देना है, सॉल्ट थोड़ा कम देना क्योंकि सोया सॉस जो होता है उसमें खुद ही सॉल्ट होता है थोड़ा, इसलिए थोड़ा कम ही डालना है सॉल्ट। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब 5 मिनट सब्जी हो जाने के बाद इसमें मैं 2 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ, 2 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस,
सा विनेगर डालो। अब मैं ग्रीन ऑनियन डालूंगी। मिनट करने के बाद मैं इसमें चाउमीन डालूंगी। चाउमीन डाल के इसे मिक्स करना है। एक फोक ले लिया है इस सहायता से, मिक्स करना है। 5 मिनट चलाने के बाद ये हो गया। अब इसे सर्व कर। फ्रेंड्स, ये मैं सर्व कर दी हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस बना है। जैसे इंडिया में स्ट्रीट फूड में ये चाउमीन मिलते हैं, वैसा ही टेस्ट है बिल्कुल। और किड्स तो इसे बहुत लव करते हैं। और आप बना के देखिए एक बार, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।